चलन मानो ही। अस्सलाम वालेकुम, आज 18 जून है और आज क्या क्या दिन के हवाले से क्या मुनासिब रखी गई है। गत 17-18 को हमने रात को टेरी टॉप में जब तो नहीं दी, क्योंकि मैं मेरा कुछ ऐसी झटके आ रहे थे नींद के, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई और मैंने नहरी की ना अपने तमाम काम मुकम्मल किए और ना ही मैं रोज़ा तो मैंने रख लिया। वैसे रोज़ा तो आज मेरा रोज़ा है और आज शाम को तक मेरा रोज़ा है, मेरे को अभी तक रोज़ा है, माशाल्लाह मैं रोज़ा रख रहा हूँ। मगर ये है कि जो रोज़े के लवाजमात होते हैं वो अदा नहीं किए और बाहर हम अल्लाह कबूलियत का दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारा रोज़ा कबूल करें। और दूसरी बात ये कि कल जो एक मुनासिब से एक दिन 18-12 बज चुके थे, कल 17 को हमने वो भी नहीं दिया, शबिश कदर ट्रांसमिशन में नहीं थी। बेशक मैंने कल बिल्कुल 15-5 हज़ार तक बदलू शरीफ पढ़ा माशाल्लाह से, मगर मैंने ये कल शब कदर की ट्रांसमिशन में नहीं दी। शब कदर ट्रांसमिशन हम क्या दे सकते हैं, हम दूसरे मेराज पर गए थे, उनको एक बहुत बड़ी फजीलत हासिल हुई, वो सफ़र कर रहा था, अल्लाह ताला का सफ़र करके वो मेराज शरीफ पे गए थे और उसकी वजह से फिर वो हज़रत हज़रत की मंजिल तक पहुँचे थे। एक बहुत बड़ा तारीखी दिन है और सामने हमारा बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है। ये भी हम देखते हैं कि उस दिन भी हमने कुछ ट्रांसमिशन नहीं दी, बाहर हम ट्रांसमिशन दी थी मैंने रात भर, हम अपनी जो हमारा गाने सब जो नातें चलती हैं वहाँ हमने नेटवर्क से दे दी थी। बहरहाल हमने ये बताया है कि शब-ए-ख़दर की ट्रांसमिशन शब-ए-ख़दर लगा हुआ है, शब-ए-ख़दर तो 23 रात को होता है। बहरहाल शब-ए-मेराज की ट्रांसमिशन मैंने आपको दी है और बता दिया है, अभी भी बता दिया, अगर जिसको नहीं पता तेरी तो आज अफ्तार से ट्रांसमिशन हो रही है, ये मैं आपको बता दिया। सब कह रहे हैं कि ये आप बातें नहीं कर रहे हैं, मगर ये नहीं बता रहे कि कर क्या रहे हैं। तो भाई अभी हमारी गलियों में तकरीबन 7 के 5 हो रहे हैं और आज 18 जून है, सुबह शाम के 7:05 हो रहे हैं और 18 जून है। आज मेरा रोज़ा है, अब थोड़ी देर बाद रोज़ा होने वाला है, यानी हम अफ्तार ट्रांसमिशन कर रहे हैं और हमने सही ट्रांसमिशन नहीं की थी। इसके अलावा हम एक बताते हुए शब मेराज ट्रांसमिशन में भी यही है कि आज हमने रोज़ा रख दिया, ये ट्रांसमिशन दे रही है, इसमें आप सुनने हमारे शब मेराज भी है। और 17 जून को एक और दिन भी मनाया जाता है जो हम योम शुक्राने पे गए थे, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। और जो हमने 18 जून को योम शुक्राने पे जो हम सफ़र पे गए थे, ग्रेट टूर पे गए थे, वो तो कोई पूछ ही रहा हमसे भाई, वो भी तो पूछे हमसे जो हमारे साथ हो चुका है, जो 2010 में हुआ है। हम एक बहुत बड़े ग्रेट टूर पे गए थे, एक बहुत बड़ा टूर पे गए थे, उसका तो किसी ने पूछा भी नहीं मुझसे। और आज 18 जून में हमें शुक्राना होती है, उससे मनाया जा रहा है, हम अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते हैं कि हम जो है सफ़र पे गए, हमें जो भी हासिल हुआ, जो हासिल नहीं भी हुआ, और जो हमने हासिल किया और जो हमने इंटरटेनमेंट हासिल की, जो हमने अपने सुकून हासिल किया, वो भी हम समझते हैं कि वो अल्लाह ताला का लुत्फ़ुल्ऐन है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और उससे जितना भी शुक्र अदा किया जाएगा हमें। अब उससे 2 साल हो रहे हैं, याद तो करना पड़ेगा, 2 साल हो रहे हैं, मगर बाहर एक सुनहरी आदमी के तौर पर वो दिन हम वो एक टूर हमें याद आता है और अल्लाह हमें उससे ज़रूर सामने करें, आमीन। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि ये ट्रांसमिशन जारी है, अफ्तार ट्रांसमिशन में क्या, अभी हम थोड़ी देर बाद रोज़ा अफ्तार कर लेंगे, मगर हम कहेंगे कि हम ये सोचते हैं कि रोज़े में लोगों को क्या कर सकते हैं, किस तरीके से खुश कर सकते हैं, गरीबों को हमारे जिस तरह से होता था कि भाई कोई साहिल आया वो उसने हमसे खाना मांगा, हमसे और कहा कि हमें खाना दे दो, तो हमने अपना दरवाज़ा खोला और हमने उसको खाना दे दिया सारा। तो ये कितनी अच्छी बड़ी बात है, कुछ सोचो ना कितनी बड़ी अच्छी बात है, कोई साहिल आया उसने हमसे खाना मांगा और कहा कि हमें खाना दे दो, तो हमने दरवाज़ा खोल के उसको सारा खाना दे दिया और हम भूखे ही सो गए, पानी से हमने अपना
روزہ افطار کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے. آج کل تو کوئی ایسا شخص ہے نہیں, بس آج کل تو آپ کو بہت کم ہی ملیں گے اللہ کے, مگر یہ ہے کہ اس کو اس چیز کی بھی امید ہو کہ وہ جنت سے کھانا ہمارا ضرور آئے گا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کسی کے پاس بے شک بہت بڑا کچھ مال رکھا ہو, اللہ کا شکی ہوا ہے بہت بڑا مال رکھا ہوا ہو, اور جب وہ اس بیس پہ کہہ رہا ہو کہ سائل آئے تو اس کو کھانا دینے, تو پھر کیا بڑی بات ہے؟ بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی امید نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا دے دے گا اور پھر ہم اپنا کھانا دے دیں, جنت سے کھانے کی امید بھی نہ ہو جب ہم سمجھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دی ہے. ایسی قربانی تو مانی نہیں جا سکتی, ایسی قربانی تو قبول ہی نہیں کی جا سکتی. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں باہر ابھی ہم شب المعراج پر مشن کر رہے ہیں, آج شب المعراج بھی ہے اور اب سے میں خود شام ہو گئی ہے اور مغرب کے وقت ہونے جاتا ہے, روزہ افطار ہو رہا ہے. اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے, اللہ تمام مومنین و حضرات کے روزے کو قبول فرمائے. میں کل افطار لکھے ہیں, میں آپ کو پڑھ کے بتاتے چلوں. ہاں فجر میرے خیال سے فجر ہوتی ہے کراچی میں ساڑھے چار بجے سے, اور اس کے علاوہ ہمارے مغرب کا ٹائم ہے. مغرب کا ٹائم کیا ہے؟ مغرب کا ٹائم ہے 7:30 ہو گئے. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور کی ٹائمنگ بتاتے چلیں, لاہور میں بھی کچھ یہی ٹائمنگ ہے, اس کو فالو کر سکتے ہیں آپ. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, میں کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے پاس کچھ ایسا خاص چیز نہیں لکھی ہوئی تو میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. بہرحال اللہ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے. آپ نے روزہ رکھا ہے جو اہل تشریح میں نہیں ہے, اہل تشریح کا ٹائم نہیں بتائے, اہل سنت کا ٹائم بتائے. اہل تشریح کا بھی یہی ٹائم ہے 4:15 ہے فجر کا ٹائم, اور مغرب کا ٹائم میں آپ کو بتاتا چلوں مغرب کا ٹائم ہے 7:04. میں آپ کو بتاتی چلوں, بالکل اطمینان سے ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ آپ کے لوگوں کو قبول فرمائے. جو بھی لوگ ہیں اپنے اہل و عیال ہیں ان کے ساتھ روزہ افطار کریں, اطمینان کے ساتھ روزہ افطار کریں, خوش قسمتی کے ساتھ رہیں, اللہ رسول کو یاد رکھیں, اللہ رسول کی باتوں کو یاد رکھیں, اللہ رسول کے آگے چل جائیں, اللہ رسول سے کہتا ہے اس کی باتوں کو بالکل قبول کریں, اپنے نیک کام کریں, نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے تمام کام کو آگے لے جائیں, اور ہمیں یاد رکھیے گا ہماری دعا. اللہ